जय हिंद दोस्तों। सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द करने के बाद जो है फिर भी बच्चों के मन में एक डाउट्स है कि सीबीएसई के परीक्षा को रद्द तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने जो है प्रमोट करने के लिए जो है कोई बात यहाँ पर नहीं कही है कि छात्रों को प्रमोट किया जाएगा या नहीं। लेकिन आप लोगों को बता दें यहाँ पर जो है परीक्षा रद्द हो गई है और ये जो सत्र है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर परीक्षा होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है, चाहे 10वीं हो या 12वीं हो, ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12वीं की परीक्षाएँ जो है यहाँ पर हो सकती है, संभावना है। लेकिन इस वीडियो में बात करूँगा कि 10वीं का रिजल्ट कैसे आएगा, ठीक है, और किस आधार पर जो है आप लोगों को अंक दिए जाएंगे और कब तक आप लोगों का रिजल्ट जारी हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ऑफिशियली जानकारी के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बोल दिया गया है कि देश भर में सीबीएसई बोर्ड के छात्र जो अगले महीने से होने जा रही जो परीक्षाओं के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि क्या होगा, ठीक है, उनका इंतजार खत्म हो गया है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 1 जुलाई से बचे हुए विषयों की परीक्षा आयोजित नहीं कराएगा। जो कि बोर्ड ने बोला है कि कोरोना संक्रमण के बीच छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो है परीक्षाएँ रद्द की जा रही है। बोर्ड ने इस दौरान जो है कई बैठकें कई बगैर परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने पर भी विचार किया, लेकिन आज 25 जून को बोर्ड की तरफ से अंतिम फैसला जो है लिया गया है। तो यहाँ पर फाइनल तो ये हो गया है कि आप लोगों की परीक्षाएं अब नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर जो है परीक्षाएं रद्द होने का जो उद्देश्य या फिर अर्थ निकल के आता है कि अब छात्रों को इंटरनल मार्किंग के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले समझने जरूरी बात है कि इंटरनल जो मार्किंग है वो क्या है, ठीक है, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्रधान पब्लिक जो प्रोसिक्यूसर है वो तुषार मेहता ने जो है अदालत को बताया कि कक्षा 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र के लिए अंक अंतिम रूप में होंगे, ठीक है, और जो हाईकोर्ट है उसको सॉरी सुप्रीम कोर्ट है उसको सूचित किया कि सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है और कोई भी परीक्षाएं नहीं होगी, ठीक है। मतलब अब 10वीं वाले तो कन्फर्म हो जाओगे आपकी परीक्षा नहीं होने वाली है। कक्षा 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है जबकि 12वीं के छात्रों को मतलब एग्जाम देने का एक विषय जो है उनके पास यहाँ पर रहने वाला है। अब यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि आपको नंबर किस प्रकार से मिलने वाले हैं, ठीक है। न्यू मूल्यांकन नीति के अनुसार जो है सीबीएसई बोर्ड ग्रेडिंग प्रणाली का इस्तेमाल कर सकता है। जो छात्र सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10th सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं परीक्षाओं के लिए उपस्थित हुए थे उनका मूल्यांकन सीबीएसई प्री बोर्ड परीक्षा के उनके द्वारा प्राप्त अंकों के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है जैसे आपका मेन एग्जाम के पहले जो है प्री एग्जाम होता है, ठीक है, और प्री एग्जाम के आधार पर जो है आप लोगों का यहाँ पर अंक जो है आप लोगों को मिलने वाले। अब बात रही रिजल्ट की कि आपका रिजल्ट कब जारी होगा, तो यहाँ पर अगस्त के पहले सप्ताह में, ठीक है, अगस्त के पहले सप्ताह में जो है आप लोगों का रिजल्ट जारी होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो आपके कन्फर्म हो जाएगी कि अगस्त में आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा, कोई भी अपडेट आएगी तो आप लोगों तक पहुँचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं कोई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।